दूर से नमस्ते एपिसोड 23 कितने दूर कितने पास भाग एक। शुरुआत में मुझे दम फूल रहा था तो मुझे लगा कि शायद मैं बीड़ी पीता हूँ इसलिए मेरा दम फूल रहा है, लेकिन अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि मुझे कोरोना है। जब तुझे लग रहा था कि तुझे कोरोना के लक्षण हैं, तो तुझे किसी को बताना चाहिए था। है किधर पम्मी जी के यहाँ मनमौजी का सारा इंतजाम करने गए। तुम्हारे लिए ना हेल्दी खाना लेकर आया हूँ घर से, और अब तुम्हारी रिपोर्ट वैसे भी पॉजिटिव आई है, घबराने की कोई बात नहीं है, इस मुश्किल की घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। चुप हो जाओ आप, कितनी देर से रो रही हो, मतलब रोने में ना आपने पीएचडी कर रखी है। और कैसे चुप हो जाऊं बेटा, हमारे दो कमरों में दो लोग बीमार पड़े हुए हैं, एक तुम्हारे पापा और एक हमारे गुड्डू। तो अच्छा एक काम करते हैं, हम ना साथ में रोके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है? तीन की गिनती पे शुरू करेंगे, 1 2 3। हाँ पापा का सिर्फ बीपी हाई हुआ है, असली चिंता तो गुड्डू दीदी की है। बिजु के पापा को बीपी हो गया, गुड्डू को कोरोना हो गया, उनका ख्याल कौन रखेगा? तुम तो मुझे उनके कमरे के पास भी नहीं जाने दे रहे हो। वैसे गुड्डू दीदी को वैक्सीनेशन का पहला डोज तो लग गया, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पर माँ प्रेगनेंसी एक इशू हो सकता है। वो भी है, अरे वो हमारा विराट कोहली कुमार, उसको तूने कहाँ भेज दिया? उस सिंगाड़े को मैंने वहाँ भेज दिया, पम्मी जी के। पम्मी जी के? चलो ये अच्छा किया तुमने, देखो ना सारी परेशानी एक साथ ही आती है, तुम्हारे पापा भी परेशान है तभी तो उनका बीपी भी हाई हो गया लगता है। क्या हुआ पापा को? अरे वो परिंदा पेठे वाले की बेटी साक्षी, उसकी शादी के लिए मिठाई का जो ऑर्डर आया था ना, ऑर्डर कैंसिल हो गया बेटा। ओ कब आज हुआ? हाँ तुम्हारे पापा को बाहर के लोगों ने पंच मारा और तुम्हारे पापा ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी, और अब डर के मारे आ रोए जा रहे कब से। माँ ये जो तुम मुहावरे में डायलॉग मारती हो ना, ये सिर्फ तुम ही समझ सकती हो, अरे सीधे सीधे बोलो ना यार। अरे बिस्सू तुम्हारे पापा है ना, उन्होंने सोचा है कि गुड्डू के पति को यहाँ बुला रहे गुड्डी की देखभाल करने के लिए, और अब उसी सोच को लेकर घबरा कर बैठे हैं और अपना बीपी हाई हाई करे जा रहे हैं। अरे इस बात को सुन के तो मेरा बीपी हाई हो रहा है, अरे कितने लापरवाह इंसान है यार वो, उन्होंने गुड्डू दीदी को समय पर वैक्सीन नहीं लेने दिया, वो क्या ख्याल रखेंगे? अब गुड्डू की देखभाल कौन करेगा? हाँ हम करेंगे। गीत तू? गीत बेटा? आंटी हम अंदर आ सकते हैं? आजा बेटा। हाँ माँ तुम बैठो इधर, गीत तू अंदर मत आ, चिंता अंकल नाराज होंगे। नमस्ते। हाँ
अरे अब छोटी छोटी बातों पे मुंह लटका लेते हो चिंटू जी। अब गुड्डो प्रेग्नेंट है, उसको कोविड हुआ है और गुड्डो और गीत बचपन की दोस्त है। अब हर बात पे तो दुश्मनी नहीं देखी जा सकती ना भाई। मैं बनवारी के साथ अपनी दुश्मनी भूल भी जाऊं, लेकिन ये कैसे भूलूं कि गुड्डो को कोविड है और गीत उसी के साथ है, उसके संपर्क में आएगी तो कुछ भगवान ना जाने कैसा हो कभी। हवा भी तेज चलने लग जाती है ना तो आपको डर लगने लगता है चिंटू जी। आपके तो डर की बात ही मत करो। और वैसे आपको याद नहीं कि वो आपके तथाकथित दुश्मन के बेटे विशु ने भी नायरा की मदद की थी, वो भी आपकी लापरवाही के कारण? गलती हो गई थी और ये याद दिला दिला कर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करो। आप और आपका इमोशन, जहाँ देखो भुदकने लगते हैं। गीत समझदार है। और फिर एक बात बताइए, गुड्डो के आपकी बेटी नहीं है? मैंने कब मना किया कि मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी जैसी है। एकदम गुड बॉय, बस ऐसे ही बने रहिए। ये वक्त नाराजगी का नहीं है बल्कि एकजुट होने का है। अभी गुड्डू जी और आप सबको हमारी जरूरत है। गीत की आवाज हमारे घर के अंदर से? तुम घर के अंदर आ रहे हैं, अगर किसी को कोई एतराज हो तो भी। अरे मरिंदा पेठे वाले के यहां से फोन। जी जी जी, ओके 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 ओके, हो जाएगा सर, हो जाएगा। यस, थैंक यू थैंक यू। अरे आज तो लगता है अच्छी किस्मत चलकर मेरे दरवाजे पे आई है। रानी जी, अरे रानी जी हमारी बात तो सुनिए। गीत? हाँ विशु के पापा, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। तो आपको पता चल गया? आपको भी पता चल गया, लेकिन आपको कैसे पता चला? अरे अभी तो मुझे फोन आया था ना। हाय, किसने इतनी बिजली की स्पीड से आपको फोन कर लिया? अरे और कौन करेगा, क्लाइंट खुद। क्लाइंट को क्या लेना देना बिशु के पापा के गुड्डो की देखभाल करने के लिए। अब हमारी गीत हमारे साथ अपने घर में रहने वाली है। एक मिनट रानी जी। हाँ। गीत गुड्डो की देखभाल करने हमारे घर आ रही है? तो फिर आपको क्या लगा था, तो आपने क्या सोचकर कहा था कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली? अरे एडवांस का पैसा भी आ गया रानी जी। कई लोगों के बातों में ध्यान मत दो। मेरे बैंक पर है। सुखी पापा, आप देख रहे हैं ना गीत के कदम कितने शुभ है। ये चिंतामणि अगर कुछ कहेगा तो मैं सहूंगा नहीं। गीत ने गुड्डो की सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। गुड्डो के कमरे के बाहर बिस्तर लगा। अब गीत वही रहेगी और गुड्डो का ख्याल रखेगी। आंटी, आपके हाथों की रसमलाई ना एकदम वही स्वाद है जो मम्मी के हाथों में था। अच्छा बनाया बहुत आपने। अच्छा लगा ना बेटा, और भी बना है, मन से खा लेना। अंकल जी, आप किन यादों में खोए हुए हो? मैं आज में जीता हूँ, बीते हुए कल में नहीं। कभी कभी ना हमें आप पे बहुत गुस्सा आता है। अरे वो गुड्डो का ख्याल रखने के लिए यहाँ आई है, पिकनिक मनाने के लिए नहीं। दो बोल मीठे नहीं बोल सकते थे, इतना गुस्सा हो रहा है आप उस पे? देखिए उसके लिए तो हम थैंक यू है उनसे, लेकिन उससे ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। अरे अरे खाने तो देती है। गीत गुड्डो का इतने अच्छे से ध्यान रख रही है जैसे इसी घर का एक अंश हो। और विशु और गीत के बीच नए रिश्ते का फूल खिलने लगा है जिसकी खुशबू में दोनों खो रहे हैं।
शुक्र है शुक्रवार है। तो आज हमने सीखा कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी को कोरोना हो जाए तो क्या करें। तो याद रखिए, दूसरों की मदद करने से कई मुश्किलें आसान हो जाती हैं और आपके मन को भी ना बहुत अच्छा लगता है ना। तो मैं गीत चतुर्वेदी आपसे मिलूंगी हमारी अगली वीडियो में। श्रीमान जी, श्रीमान जी। अरे 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 बेटा, अरे सुखी रहो सुखी रहो। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम आजकल बड़े खोए खोए रहते हो, नजर ही नहीं आते हो। खोए नहीं श्रीमान जी, बस कामों में थोड़ा सा उलझ गए थे। आपके जीवन से हम खो जाएं? कदापि नहीं। हाँ ईश्वर ना करे, लेकिन हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ खो दिया। हमारे वो डसूजा साहब थे, बेचारे नेक इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर गनीमत है कि आप सबने वैक्सीन की दोनों डोसेस और बूस्टर शॉट ले लिए। तभी तो डबल सुरक्षा है बेटा। जी बिल्कुल। वैसे गीत जी कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ गई? वो अपनी सहेली के घर पे गई है उसकी मदद करने के लिए। जी अच्छी बात, इसका मतलब आ जाएंगे, मैं प्रतीक्षा करूंगा। नहीं नहीं बेटा, वो आज नहीं आएगी, वहां रहने गई है। ऐसा कौन सा दोस्त है? वो एक हमारा पड़ोसी है ना, हलवाई, उसकी भांजी है गुड्डो, वो उसको कोरोना हो गया है, ऊपर से प्रेग्नेंट भी है वो, तो वो उसकी मदद के लिए गई है। मेरे ख्याल से 8-10 दिन तो लग ही जाएंगे। जी वो हलवाई से याद आया मुझे कि मैं मंदिर गया था, प्रसाद लाया हूँ, एक मिनट तुम्हें भी देता हूँ। हाँ, तुम डेट गेम सोच रहे थे और यहाँ तो वेट गेम ऑलरेडी चालू हो चुका है। ये मिठाई वाले का नाम सुनते ही ना मेरा खून खोल जाता है। खैर तुम क्या समझोगे लड़ाई झगड़े की बातें, ये खून खोलना क्या होता है। लो बेटा प्रसाद ले लो थोड़ा सा। जी अब खून खोलना हमें बुढ़ऊ समझाएंगे? क्या दिन आ गए, शर्म से डूब भी नहीं सकता गीत के लिए। जी आप खून वून मत खोलवाइए, हम चलते हैं, दोबारा आएंगे। गीत जी से अगर बात हो तो हमें बताइएगा कि हम आए थे। अरे अरे हाँ, ये मुझे बताने की तो ना जरूरत है, मैं तो बताऊंगा ही जरूर। अच्छा जी हम चलते हैं। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जी अपना ख्याल रखना और घर वालों को मेरा नमस्कार कहना। जी आते रहना। जी 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 हाँ हाँ प्रणाम। चाय बना रहे हो या खिचड़ी? कितनी देर और लगेगी बे? अरे अनिल भाई साहब, अपनी वो स्पेशल वाली 4 चाय है ना, वो पैक कर दो और पपड़ी भी डाल देना साथ में, ठीक है? सॉरी भाई साहब यार, वो सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ भाई साहब, अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं। आप मुझे बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हो यार, मतलब कोई बात वात हो गई है, कोई इशू है क्या? मतलब मुझे बता दो, मैं लोगों के इशू सॉल्व करता हूँ। अरे रहने दो भाई, मेरा इशू कोई सॉल्व नहीं कर सकता। अरे बताओ तो सही। जानना चाहते हो, हमारी जो होने वाली पत्नी है ना, अपने बाप का घर छोड़ के अपनी बीमार सहेली की देखरेख के लिए वहीं चली गई यार। अरे अरे और हम उसे मिल नहीं पा रहे। जुदाई समझते हो प्यार में? बस वही हो रहा हमारे साथ। भाई यार माफ करना यार, ये वाला इशू तो बहुत बड़े लेवल का इशू है यार। हाँ? मतलब दर्द है इसमें, तो ये तो अपन से सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपनी जो कंडीशन है ना वो सेम टू सेम है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब अपनी वाली भी पास भी है और पास नहीं भी है, दिल और दिल्ली भी बहुत दूर है भाई साहब। एक बात बताओ, वो तुमसे प्यार तो करती है ना? पता नहीं यार। और तुम तो उससे प्यार करते हो ना? पता नहीं। अरे कैसे आशिक हो यार,
हम तो अपनी वाली से बहुत प्यार करते हैं। पता नहीं ये 8-10 दिन उसके बिना कैसे गुजारे, भगवान ही मालिक है। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, 8-10 दिन? अरे हमारे पास भी सिर्फ 8-10 दिन है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब 8-10 दिन में उसे हमसे प्यार हुआ या हमें उससे प्यार हुआ, अगर नहीं हुआ तो फिर ऊपर वाली मालिक है यार। हो जाएगा, चिंता मत करो, हम दुआ करेंगे तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। सोशल डिस्टेंस। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच यार। मैं भी दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि आपकी भी लव स्टोरी सक्सेसफुल हो जाए। शुक्रिया शुक्रिया। अरे भाई साहब हो गया अपना पार्सल? लाओ लाओ इधर दो। हाँ लाओ फटाफट दो। ये सैनिटाइज करना जरूरी है इन सारी चीजों को यार। भाई साहब आप भी ना हर चीज को सैनिटाइज किया करो। बहुत साफ सफाई वाले आदमी लगते हो। कोरोना का टाइम चल रहा है भाई साहब यार, सेफ्टी तो जरूरी है ना। अच्छी बात है, अच्छी बात। चलो चलता हूँ यार। अच्छा भाई साहब वो आपने अपनी वाली का नाम नहीं बताया यार। बात कुछ ऐसी है, नाम तो हम उनका तब तक नहीं लेंगे जब तक वो हमारी धर्मपत्नी ना बन जाए। ये भी ठीक है यार, चलो चलता हूँ मैं। अच्छा अनिल भाई साहब चलो। गीत डरा दिया तुमने, थक गई? थके नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा। गुड्डू जीजी के पैर में दर्द था तो हमने सोचा कि थोड़ी देर मालिश कर देते, पर थोड़ी ज्यादा देर तक ही हो गया। थोड़ी नहीं, काफी ज्यादा देर हो गई, देखा मैंने। क्या कर रहे तू? हम ठीक है, छोड़। मैं किसी का एहसान नहीं रखता। तुमने मेरी जीजी के पैरों की मालिश की, उसके बदले मैं तुम्हारा हाथ दबा देता हूँ। ठीक है, तू थोड़ा अच्छे से दबा। ठीक है। तू सोया नहीं अब तक? वैसे तो मैं सोने ही जा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि तुम और जीजी अभी तक सोए नहीं हो, जाग रहे हो, तो मैं तेरे फ्री होने का इंतजार कर रहा था। हमें लगा हमें ताड़ रहे हो तुम चुप चुप के। अच्छा गीत, तुझे कुछ देना था, दूं? ताने उलाने? इसके अलावा अगर कुछ देना है तो दे। मुझसे दोस्ती करना चाहता है तू? अभी कुछ दिन पहले ना फ्रेंडशिप डे गया है तो दुकानों पे कुछ बचा हुआ स्टॉक सस्ते में मिल रहा था। समझ रहे हो। देख गीत, मुझे लाग लपेट करना ज्यादा आता नहीं है, इसलिए सीधे सीधे पूछ रहा हूँ। ये पहनेगी? मेरी दोस्त बनेगी? बड़ी नहीं है, जब तेरा मन हो आराम से पहन लेना। पहना देना, हम खुद से नहीं पहनेंगे। तो तू बता देना जब तेरा मन हो मैं पहना दूंगा। अभी अभी तुझे कहीं जाना है क्या? नहीं नहीं कहीं जाना तो नहीं है, लेकिन ये जिस ब्रेसलेट में मेरा सारा प्यार है, सारी दुआएं हैं तेरे लिए। सारा प्यार और सारी दुआएं, तो ठीक है। फिर गीत चतुर्वेदी का भी ये वादा रहा कि हम खाक में मिल जाएंगे, पर इसे अपने हाथ से नहीं उतारेंगे। तो पहनाओ।
क्यों? प्रभा जी, कोविड के ये 2 साल बहुत कठिन रहे हैं। डिसूजा आंटी अकेली हो गई, अकेलापन अच्छा नहीं है। तो आपको भी अकेलापन काटता है? मैं अकेला जरूर हूँ प्रभा जी, लेकिन अकेलेपन का शिकार नहीं। मैं तो डिसूजा आंटी के बारे में बात कर रहा था। आपको कभी शादी या कभी किसी पार्टनर के बारे में आपने सोचा नहीं? अब कोई आप जैसी सुलझी समझदार मिलती तो जरूर सोचता। हाँ चॉकलेट। गूगल चाचा, आपके घर में आग लग गई। क्या? मैं मेरे घर में आग? इन्हीं अखबारों से मैंने दुनियादारी तो सारे सबक सीखे थे जो कि बच्चा अपने माँ बाप से सीखता है। गीत, ये गूगल चाचा के रूम का पेंट करने का मैसेज देखकर ना मेरा दिल खुश हो गया। गीत आपके लायक नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? गीत ना एक नंबर की लगा देता है, पूरे टाइम किट किट करती रहती है। आप सच कह रहे हैं? अरे 100% सच बोल रहा हूँ यार, आपसे भी जो बोलूंगा भाई साहब। आज के एपिसोड पर अपने अनुभव या फीडबैक शेयर करने के लिए नीचे दिए गए इस नंबर पर मिस कॉल दें 0804-610-7666।